मथुरा के ब्लॉक सभागार पर सुबह से ही नामांकन के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। दोपहर के बाद भाजपा समर्थित प्रत्याशी मुन्नी देवी दिवाकर अपने समर्थकों के साथ ब्लॉक सभागार में नामांकन दाखिल करने पहुंची। उनके साथ मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं व्यापारी बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग, भाजपा नेता मुकेश खंडेलवाल, देवेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। नामांकन केंद्र पर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश की भी मनाही थी। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा समर्थित प्रत्याशी मुन्नी देवी दिवाकर ने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है और वे मथुरा ब्लॉक का विकास करेंगी। बीजेपी की तरफ से मैंने किया है ब्लॉक प्रमुख के पद पे और जीत की पूरी उम्मीद है 100%। क्या काम करेंगे ब्लॉक में आने के बाद, आप क्या सोचा है ब्लॉक के लिए? ब्लॉक के लिए जो भी निम्न स्तर पे, नीचे स्तर तक, ग्रामीण स्तर पे जो काम नहीं हुए अब तक उन्हें पूरा कराएंगे। जो भी सुविधाएं वहां नहीं मिल पा रही हैं उन्हें भी करवाएंगे। वही मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने भी कहा कि उनकी पार्टी का समर्थित प्रत्याशी ही जीतेगा। देखिए, ये क्षेत्रीय पंचायत का चुनाव है और हमारी जो सरकार की सोच है, गली गली में, गाँव गाँव में, पूरे क्षेत्र में विकास होना चाहिए और विकास को दृष्टिगत रखते हुए हमने अपने मजबूत प्रत्याशियों को उतारा है और 69 इसमें मथुरा ब्लॉक में सदस्य हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। आपके ही साथी बताते हैं, दोस्त वकील साहब, उनकी पत्नी भी खड़ी हुई, बताए वो ही बीजेपी की है, पार्टी में ये अंदरधुंध क्यों चल रहा है? देखिए, ये अपनी अपनी वो है। मेरे ख्याल से जो हमारा प्रत्याशी है नीतीश दिवाकर, वो पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, पुराना सदस्य है और कोई दूसरा प्रत्याशी सामने आ रहा है मेरे ख्याल से तो हमारी पार्टी का नहीं हो सकता, और कोई होगा तो वो मेरी जानकारी में भी नहीं है। लेकिन ये इतना मैं जानता हूँ कि नितिन जो है वो पुराना हमारा कार्यकर्ता है और अच्छा कार्यकर्ता है, और ये उनकी जो माताजी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में जो है परिपक्व हैं, रिटायरमेंट हैं, इसलिए वो हर तरीके से अच्छी प्रत्याशी। मथुरा ब्लॉक पर आज भारतीय जनता पार्टी के तौर पर मुन्नी दिवाकर ने अपना नामांकन दाखिल किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हैं। उनके साथ यहां पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके साथ साथ महापौर ने ये कहा कि उनकी पार्टी का समर्थित प्रत्याशी जीतेगा, वो अपनी जीत से सुनिश्चित हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि विपक्ष का काम अफवाह फैलाना है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद रही, हालांकि बीच में कुछ गर्मा गर्मी जरूर हुई, लेकिन सब कुछ यहाँ पर शांति से निपट गया। अब तक की बात करें तो आज केवल दो ही नामांकन यहाँ दाखिल किए गए हैं। अपने साथी सुनील सिंह के साथ रवि यादव।